हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हमारे हॉस्टल के बाहर जो है, ये बाहर का नज़ारा है। स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे आज बाकू में। मैंने सुना था कि यहाँ पे स्नोफॉल होती है, पर मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा स्नोफॉल यहाँ पे होती है, क्योंकि पिछले कल यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी स्नोफॉल हो रही थी, तो मैंने सोचा था कि बस वही होगी, पर आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो रही है। और अगर यही हाल रहा तो मतलब थोड़ी देर तक, शाम तक ये काफ़ी 2 फुट तक 3 फुट तक ये पड़ जाएगी। तो अभी देखते हैं कि कितनी अभी पड़ती है मॉर्निंग में। अभी हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज करवाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो कार्ड ख़त्म हो गया है तो वो रिफ़िल करवाना पड़ेगा, तो उसको रिफ़िल करवा के फिर आते हैं। आंखें खुल नहीं रही है वैसे भाई, तो क्या आप बोलेंगे आज? बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्नो हो रही है, जो कि हमने सोचा भी नहीं था। क्यों नहीं सोचा था? नहीं सोचा था बहन, जो इतनी स्नो होती है यहाँ पे तो सोचना पड़ेगा ना भाई। सोचो इतनी बर्फ पड़ेगी तो हम काम कैसे करेंगे। काम की अभी बात छोड़ो ना यार, इतनी बर्फ में हम आंखें नहीं खुल रही है इधर। चल बाहर। शिमला मनाली की याद आ गई हमें तो भाई, सीधी सी बात है। शिमला मनाली में इतनी बर्फ पड़ती है, इससे ज्यादा पड़ती है उधर तो। अब इधर का पता नहीं है कितनी पड़ती है, अभी देखते हैं। तो पूरा पैक होके हम आए हैं वैसे, ये देख लो ठंड लग रही है, ग्लव्स वगैरह डाल के आए हैं। ये आप देख लो इधर का, ये देख लो रोड का हाल, इधर का ये नजारा, गाड़ियां जो है वो सारी रोड पे, देख लो बर्फ का कीचड़ हो गया है। तो गाइस अभी हम आए थे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज करवाने आए थे, तो अभी रिचार्ज हो गया है। चल अभी रूम पे जा रहे हैं, तो स्नो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है हमारे पीछे, देख लो हाथ बाहर नहीं निकाल सकते हम। तो हमारा काम अभी हो गया, सुबह का जो पहला काम था ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो अब वो हो गई है। अब जाके सीधा इलेक्ट्रिक का वो रिचार्ज करेंगे, उसके बाद फ़ोन वगैरह चार्ज करेंगे, उसके बाद फिर खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद देखते हैं कितनी स्नो पड़ती है, क्योंकि स्नो अभी तेज़ हो गई है यहाँ पे। हम फोटोशूट वगैरह कर रहे थे तो सीधी आंखों पे आके गिर रही थी, आंखें भी नहीं खुल रही थी हमारी। तो रोड वगैरह के भी काफ़ी बुरे हाल है। मैंने ऐसी स्नोफॉल एक बार शिमला में देखी थी, जब मैं शिमला गया था, और एक बार मनाली में देखी थी बस, उसके बाद लाइव स्नोफॉल आज देख रहा हूँ यहाँ पे। इस वाले छोटे से ब्लॉग में बस इतना ही था, क्योंकि आज अभी सुबह सुबह हम जा रहे थे वहाँ पे इलेक्ट्रिक का रिचार्ज करवाने, तो मैंने सोचा इस वाली वीडियो को कैप्चर कर लेते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, थैंक यू, फिर आपके साथ मुलाकात होगी मेरी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग ध्यान रखें अपना, ठीक है।